बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बार रखे। और इस नेक दुआ के साथ मैं आज की वीडियो का आगाज़ करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट होती है कि यूट्यूब चैनल पर नसुलवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बढ़वा कर तमाम बहन भाइयों को मिल सके। इसी के साथ हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लॉकडाउन बहुत क्या कहते हैं कि सख्त लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम ना ही तो बाज़ार में जा सकते हैं, ना ही किसी रिश्तेदार के पास जा सकते हैं, ना ही कोई हमारे पास आ सकता है ना। इस वजह से हम तमाम अपने घरों में ही मैसूर हैं। इस वजह से हम अपने देखने वाले बहन भाइयों को वीडियोस जो है वो बेहतरीन या अच्छे नहीं मुहैया कर सकते। बात यही है कि एक दफ़ा मैं अपने तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ गूँ और इस दुआ के साथ भी ममालिक हैं दुनिया में, उन सब ममालिक में ये जो वबा है अल्लाह ताला इनसे हमें निजात दे और भी जितनी दुख दर्द तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, अल्लाह ताला उन सब से हमें निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरी खुली ही नहीं सी। जी काफ़ी दिनों से भिंडी तोरी नहीं बनाई थी, तो हमने आज सोचा कि हम जो है वो आज भिंडी का सालन बनाएंगे। तो आज हम भिंडी का सालन बना रहे हैं। मुझे तो पसंद है, लेकिन इसमें अगर गोश्त डाला जाए ना तो ज़्यादा मुझे पसंद है। तो बेगम साहिबा को भी भिंडी पसंद है, बच्चों को भी भिंडी पसंद है, मुझे ज़्यादा टिंडे ज़्यादा पसंद थे। तो ये सालन हमारा बन रहा है, तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया जाए। अच्छा, आपके कपड़े सिलाई हो गए हैं, आप प्रेस हो रहे हैं? सही है, बहुत प्यारे सिले हैं। ईद पे ये पहने के और कोई और कोई पहनूंगी, ये तो नहीं पहनूंगी, हमारे किसी खास जगह जाना फिर पहनूंगी। अच्छा वाह, ये तो अच्छा, ये खास जगह कौन सी है मुझे नहीं पता। नहीं ये बाद में पता चलेगा। अच्छा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा तो अंदाज़ा हो। नहीं बस जब जाएंगे ना भी पता चल जाएगा। अच्छा, यानी मेरा बात करने का मकसद ये है मेके जाना है। तो मैं पुराने कपड़े भी पहन के चली जाती हूँ, कभी पहन के नहीं गई। अच्छा, ये देखिए इसको गला में इस तरह का बनाया है, इस पर बाजार खुलेंगे तो बटन भी लेकर लगाएंगे। अच्छा, अभी बटन बाकी है। हाँ जी, दो तीन लगा लेंगे। सही। अच्छा, बच्चे पहले कमरे में शोर कर रहे हैं। वो सारी दोपहर ऐसे खेलते हैं, कभी सोए भी नहीं दोपहर। ये प्रेस हो गया, अभी बटन बाकी हैं। इसको भी मैंने लैस लगाई है, भाई हमारे पाकिस्तान में बहुत रिवाज है लैस का, अब तो मैं तो हर सूट को लगाती हूँ। सही है। हाँ जी, ठीक है। बैक साइड जी नहीं, बैक साइड भी मुख्तलिफ है, हर जगह पे ना मुख्तलिफ रवाज जो है ना वो चलता है, उसके मुताबिक फिर ये सारा सिस्टम बनता है। और किसी जगह पे पांचे जो है वो खुले ट्राउज़र आ जाते हैं, कभी बिल्कुल जो है वो लंबी कमीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। लेकिन हम तो सिर्फ शलवार कमीज ही तो हम पहनते हैं ना।
जी और कुछ भी नहीं, फ्रॉक या कोई इस तरह की मतलब छोटी शर्ट या हम इस तरह के पहनते हैं। नहीं सही हो गया। अतन ये बेटा उधर रख, ये सूट दूसरा प्रेस हो गया। हाँ जी, सिलाई भी हो गया, प्रेस भी हो गया। अच्छा, इसके साथ ये जो लेस है कितनी मैच करती है ना? ये मैंने बाजार से नहीं ली। अच्छा, ली तो बाजार से लेकिन अब नहीं ली, पहले की ना मैंने खरीद के रखी हुई थी। जब भी मैं बाजार जाती हूँ ना कोई चीज अगर पसंद आए, भाभी आसिया के साथ जाऊँ या हमारा के साथ, तो फिर मैं खरीद लेती हूँ, क्योंकि अदन के अक्सर कपड़े सिलाई करती हूँ ना। अच्छा, ये जो वैसे घर में पड़ी थी तो फिर मैच होगी। मैंने ये गला दिखाए, कितना जबरदस्त गला बन गया है। मैं शादी के लिए पहनती हूँ। नहीं, ये भी बहुत जबरदस्त बन गया है। इसकी बैक साइड भी दिखाना, बाजू इसके पास इस। हाँ जी, बाजू बिल्कुल, बाजू भी नाइस बने हैं। ये इसकी बैक साइड है। अच्छा, ये इसकी बैक साइड है, वो भी वो। अच्छा, इनू कहते पंजाबी च इत्थे रख। पंजाबी असि पाते, पंजाबी सलवार कमीज पेंट नू छोड़ो परे। जदों तो पैदा होए छोटे होंदे अम्मी ने जिस तरह के भी पाए हो, लेकिन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ ਮਾਲੀਏ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚੌਕਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਚੌਕਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਮਹਿਰਾ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੂੜੀ ਪਜਾਮਾ ਬਣਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹਮੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਹਿਰੂਨ ਸੂਟ ਨਾਲ ਦੀ ਆ। ਆਹ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਲੈਣੀ ਵਿਜੇ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਦੱਸ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆ। ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੈਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸੂਟ ਨੂੰ ਲੈਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ। ਆਲ ਓਵਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ, ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਗਈ ਸੀ ਖਰੀਦਣ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਮੈਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਲਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ, ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰੇ ਆ ਸੋਹਣੇ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਇੱਕ ਸੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਛਾਪਰ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਮਾਰਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੂਟ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ, ਬਸ ਸਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੋਨ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਸੀਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਛੱਡੋ ਪਰ ਆ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਵੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿਖਾ ਲਈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਤ ਕੀ ਸੇਮ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਸ਼ਲਵਾਰ ਆ ਤੇ ਆ ਦੁਪੱਟਾ, ਬਸ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਮਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਿਲਾਈ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਤੇ
इस तरह टाइम लगे कटिंग करके। चले जी बहुत अच्छा जरा ना, क्योंकि फैसला तो बहुत अच्छा वा, ये अर्निंग तो होएगी ना, साड़ी तो अर्निंग होएगी। अच्छा ये आपके लिए जबरदस्त रहेगा। नहीं नहीं अल्लाह ताला उसके नसीब में करे। अच्छा ये भी बहुत प्यारा है, जबरदस्त। इसका ऑल ओवर प्रिंट है, बहुत ही जबरदस्त है। कमीज है। हाँ जी। चलें ये सिलाई करके और भी ज़बरदस्त बन जाएंगे ना, यानी कि जब इनकी स्टिचिंग होगी तो ये ज़बरदस्त बन जाएंगे। अच्छा और दिखाएं, बस खत्म हो गए। चलें जी, ये मेरी कमीज है, ये अधूरी कमीज है बस। अच्छा मैं तो कहता हूँ इसके साथ मैच करती है ये जो, क्या हुआ जी, इसके साथ बिल्कुल मैच करती है ये, देख लें बिशक दी। बेशक ये ना उधर मैंने दुकान पे कपड़े ले रहे थे, तो मैंने कहा भाई ये बहुत प्यारी की शर्ट है, तो कितने की है ना? उसने कहा बाजी ये आपके खरीदने वाली नहीं है। मैंने कहा क्यों? कह रहा था इसकी ना बैक साइड है और बाजू है, तो इसके ना फ्रंट साइड घूम गई है कहीं। अच्छा, या किसी के साथ चली गई होगी, या किसी का कपड़ों में चली गई, पता नहीं, हमें ना मिली नहीं। मैंने कहा डिजाइन बहुत प्यारा है, अगर भाई इसकी फ्रंट साइड मिल जाए तो मुझे दे देना, अगर ना मिले तो फिर मैं ना कोई और मैचिंग करके ना कमीज बना लूंगी, या फिर अदन का बना लूंगी। नहीं ये अदन का ही बन जाएगा बस। हाँ जी बस इसकी ना बदन की कोई डिजाइनिंग वगैरह करके ना फ्रॉक बनाऊंगी। नहीं नहीं सही है, जबरदस्त, बहुत अच्छी थी, अच्छे वाली शर्ट थी, डिजिटल प्रिंट वाली, फिर मैंने खरीद ली। अब इसका कोई जोड़ तोड़ लगा के अदन का ही बनाएंगे। नहीं अदन का बन जाएगा। चलिए ठीक है, अभी शीलिंग करते हैं। सही है, आप शीलिंग करें तो मैं देखने वाले बहन भाइयों को जो है ना वो जल्दी से ये वीडियो एडिट करके ना फिर उनको अपलोड करूं। सारे कपड़े मैंने प्रेस करने हैं ईद वाले मार के इधर के जी, हमारी जो कह रही है मम्मा ने अपने दो तीन सूट इस्त्री करके भी लटका भी लिए हैं, तो मेरे किसने करने हैं ना? जी बिल्कुल, ये हमने अपना हैंगर में लटका दिए। और अच्छा और मैं एक बात बताऊं, हमारी ईद की तैयारी की वीडियो जो होगी इंशाल्लाह हम अपने देखने वाले बहन भाइयों को हम ज़रूर दिखाएंगे। इंशाल्लाह काफ़ी बहन भाइयों के कमेंट्स आए कि हमें ना ईद वाली वीडियो बना के ज़रूर दिखाना। ज़रूर बनाएंगे, प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखा ज़रूर करें। थैंक यू। इसी के साथ अपने देखने वाले बहन भाइयों से हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और इससे पहले हम अपनी वीडियो के एंड पे एक अच्छी बात कहते हैं, वो आज की अच्छी बात ये होगी, ये अच्छी गल है कि उस वक्त तक कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए जब तक तुहाडे खून की गर्दश ते दिल की धड़कन जिहड़ी है ना वो बिल्कुल पुरसकून ना हो जाए। तो इस दे नाल ही हुण असीं अपने देखने वाले भैन भरावां कोलों इजाजत लवांगे, कल मिलांगे एक नई वीडियो दे नाल। अल्लाह हाफिज़।